हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आपके सामने हम इलेक्ट्रिक साइकिल के किट मंगाया है, जिसको हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं किसे कैसे अनबॉक्स करते हैं। ये आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ख़रीद सकते हैं। इसका दाम लगभग 6.5 से 7 हज़ार रुपये पड़ता है। आप जिस क्वालिटी के ख़रीदिएगा उस तरह का आएगा। देखिए बॉक्स खुल चुका है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे रख देते हैं साइड में और देखते हैं इसमें क्या क्या दिए हुए हैं। तो अब देखिए, कुछ डाला हुआ रहता है कि टाइट रहे और हिले डोले ना, तो इससे डैमेज होने से बचता है। और देखिए कुछ कुछ सामान पहले देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं, तो इसे हम साइड में रखते हैं। चलिए देखिए कि देखते हैं कि क्या क्या भेजे हुए हैं। पहले इसे निकाल कर एक स्थाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे क्या है, क्या काम है सबका। तो देखिए मोटर है, अच्छा, काफ़ी भारी है और ठीक है, ठीक ठाक। तो अब चलते हैं, जान लेते हैं कुछ नाम वगैरह को क्या क्या कहते हैं। तो इसे बोला जाता है मोटर क्लैंप, जो कि ये साइकिल में लगता है कुछ इस तरीके से, और इसमें मोटर आ जाता है। बताते हैं अभी कैसे आएगा, जो कि अब चाकू की ज़रूरत पड़ेगा, तो हम एक चाकू लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसे पैक किए हुए हैं। तो इसे हम खोल लेते हैं पहले, उसके बाद खुल चुका है। तो देखिए इसमें 3 बोल्ट निकला हुआ रहता है और उसमें कुछ इस तरीके से फिट ये किया जाता है, जो कि देखते हैं कर कि कैसे होगा। हाँ देखिए हो चुका है और इस तरह से साइकिल में लगेगा। हम अगले वीडियो, फिलहाल के लिए ये मंगवाया हमने अमेजोन से, तो अगले वीडियो में परचेज करेंगे एक साइकिल। मेरे पास साइकिल नहीं है, तो उसमें बताएंगे कि किस तरह से फिट किया जाता है। और ये देखें कुछ इस तरीके का चार्जर मिल जाएगा आपको, 24 वोल्ट का चार्जर है और 24 वोल्ट का मोटर भी है 250 वाट का। तो उसके लिए आपको 2 बैटरी खरीदना होगा। और देखिए ये कुछ ब्रेक मिलता है इस तरीके का, कुछ ऐसा मजबूत तो नहीं लग रहा, फिर भी काफ़ी अच्छी मजबूती है इसमें। और 2 वायर दिए हुए रहता है, ये देख लीजिए दोनों में इस तरीके से। और देखते हैं आगे क्या है। तो इस तरीके के हब है, देखिए जो साइकिल में आपके आ जाएंगे। और दोनों साइड गुना है, ये देखिए नहीं हट रहा, अभी हटाने से इस तरीके से हटेगा, ये देखिए। तो इसे लगा देते हैं फिर से, गुना नहीं ख़राब हो इसलिए लगा दिए, इसे साइड रख देते हैं। कुछ चैन मिल जाते हैं इस तरह के, देखिए। और इस मोटर पे जो कि ये चैन लगेगा, और ये देखिए कुछ इसका फेयरबिल जो कि ये हब के ऊपर आ जाएगा, कसा जाएगा। और एक तरफ से ये पेंडल रहेगा, दूसरे तरफ से मोटर लग सकता है, या फिर देखेंगे उस समय। और ये देखिए इसे भी देख लेते हैं थोड़ा क्या
क्या क्या है इसमें? बहुत हिसाब से खोलना पड़ता है, इधर उधर चाकू लग जाएगा तो फिर डैमेज हो सकता है। ये देखिए कुछ, ये हॉर्न का स्विच है और उसके बाद ये देखिए आपको थ्रोटल है, ये तो इस तरह से मोमेंट ये करेगा इस तरह से तो आपको काम करेगा एक्सीलेटर का। और देखें कुछ स्क्रू वगैरह है, देख लेते हैं इसमें भी क्या क्या है। तो देखिए खोल रहे हैं हम, और देखिए ये कुछ क्लैंप वगैरह बोल्ट वगैरह दिए हुए हैं तो मोटर में लगेगा उसी के लिए है। और ये देखिए कंट्रोलर इसे कहते हैं, ये कंट्रोलर कुछ हद तक ठीक ही है और इससे अच्छी वाली होना चाहिए, कुछ नाम वगैरह नहीं लिखे हुए इस पे। चलिए ठीक है, और इसमें क्या है देख लेते हैं कुछ इस तरीके का। वाह लाइट, तो इसे भी देखते हैं क्या क्या दिए हुए इसमें। तो ये देखिए दो क्लंप है जो कि ये हैंडल में एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे लग करके, ठीक ना, इस तरीके से लग करके हैंडल में ये लग जाएगा। और ये लाइट रहा, कलर बहुत अच्छा। और ये देखिए वायर है दो, तो ये चाबी है स्विच चाबी, देखिए इस तरीके से काम करेगा ऑन ऑफ का लाइट का। ये इंडिकेटर है बैटरी का, ये बैटरी बताएगा कितनी चार्ज है आपका। तो यह इस तरीके से कुछ वायर मिल जाते हैं जो आपको वायरिंग करने की कोई ज़रूरत ना पड़े, और हमें तो मिला है। और देखिए क्या क्या है इसमें, और ये देखिए चार्जिंग पोर्ट है, इससे आप चार्ज कर सकते हैं चार्जर से अभी पैक है इसे रहने देते हैं। और ये इस तरीके से रहता है, चार्ज हो जाता है। और इस तरीके से ये देखिए कुछ बैटरी का दिए हुए है कनेक्शन, यहाँ से प्लस माइनस का बैटरी में होगा कनेक्शन। और ये देखिए कुछ वायर मिल जाते हैं, सब पे लिखा हुआ है नाम कौन किसका है, जो ब्रेक हुआ पावर लॉक हुआ जो भी हो कुछ भी हो टोटल का है सब कुछ का है, वो सब कुछ लिखे हुए हैं तो आसानी होगा लिखे हुए रहता है तो वायरिंग करने में, ठीक है। देख लिए दोस्तों, और अब अगले वीडियो में हम आपको साइकिल बनाकर दिखाएंगे कि किस तरह से बनता है और काम करता है। और तो कि देखिए कुछ इससे स्क्रू खुल गया था, इसे लगा देते हैं।